डॉट कॉम के यूट्यूब चैनल पर मैं सी ए सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूँ। चलिए डिस्कस करते हैं जीएसटी न्यूज़ ऑन 31 दिसंबर 2017। यदि मर्चेंट एक्सपोर्टर को जीएसटी के अंदर सप्लाई की जाती है तो उसको जीएसटी रिटर्न में कहाँ पे दिखाना है? यदि मर्चेंट एक्सपोर्टर को सप्लाई की जाती है तो आप 0.1% के रेट में शो कर सकते हैं। यह फैसिलिटी जीएसटी पोर्टल पर इनेबल कर दी गई है सभी रिटर्न्स के लिए। 10-2 फॉर्म को मैं किस प्रकार जीएसटी पोर्टल पर अपलोड कर सकता हूँ? 10-2 फॉर्म को अपलोड करने के लिए जीएसटी पोर्टल ने ऑफलाइन टूल प्रोवाइड कर दिया है। आप इस टूल के अंदर अपने डेटा को फिल कर सकते हैं और जीएसटी पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। यदि बिजनेस को सेल कर दिया जाता है या फिर मर्जर डी मर्जर होता है तो उस केस में मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्लेम किस प्रकार कर सकता हूँ? इस केस में आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्लेम करने के लिए फॉर्म GST IC2 फाइल करना है जीएसटी पोर्टल पर। इस फॉर्म को फाइल करने के लिए फैसिलिटी अवेलेबल करा दी गई है। GST REG 26 फॉर्म को फाइल करने की लास्ट डेट 31 दिसंबर 2017 है, यानी कि यदि आप एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर हैं और जीएसटी के अंदर इनरोल होना चाहते हैं। इसी प्रकार यदि आपने कोई गुड्स या कैपिटल गुड जो वर्कर को भेजी है और उसे वापस मंगाई है जुलाई से सितंबर 2017 के बीच में, तो आपको GST IC4 फॉर्म फाइल करना है। इसके लिए लास्ट डेट 31 दिसंबर 2017 है। यदि आप नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है तो आपको रिटर्न GSTR5 में फाइल करनी है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, नवंबर और दिसंबर 2017 के लिए यह रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट 31 जनवरी 2018 है। GSTR5A आपको फाइल करनी है। यदि आप ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटा एक्सेस और रिट्रीवल सर्विस आउटसाइड इंडिया से नॉन टैक्सेबल पर्सन इन इंडिया में देते हैं, यानी कि OIDAR सर्विसेज, जुलाई, अगस्त, सितंबर, नवंबर एंड दिसंबर 2017 मंथ्स के लिए यह रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट 31 जनवरी 2018 है। GST IC1 फॉर्म आपको फाइल करना है। यदि आप सेक्शन 18(1) के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्लेम लेना चाहते हैं उस केस में जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 2017 के लिए लास्ट डेट 31 जनवरी 2018 है। GST CMP 03 फॉर्म फाइल करने की लास्ट डेट 31 जनवरी 2018 है, यानी कि आपने कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट किया है तो आपको अपनी स्टॉक की इंटीमेशन देनी है सरकार को। यदि मैं जीएसटी के अंदर कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट करता हूँ तो क्वार्टरली टर्न को फाइल करने के लिए ड्यू डेट्स क्या हैं? यदि आप कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट करते हैं तो आपको अपनी रिटर्न क्वार्टरली फाइल करनी है GSTR4 में। जुलाई, अगस्त और सितंबर 2017 के लिए आपको क्वार्टरली रिटर्न फाइल करनी थी, जिसके लिए लास्ट डेट 24 दिसंबर 2017 थी। रिमेनिंग क्वार्टर के लिए लास्ट डेट जो है 18 डेज के अंदर आपको फाइल करनी है जैसे ही क्वार्टर खत्म होता है। इसलिए अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2017 के लिए आपको रिटर्न 18 जनवरी 2018 तक फाइल करनी है। इसको सर्कुलर नंबर 26/26/2017 के अंदर क्लैरिफाई किया गया है, जिसका लिंक है जीएसटी न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यदि मैं जीएसटी की रेगुलर स्कीम के अंदर हूँ तो मुझे GSTR1 और GSTR3B कब तक फाइल करनी है? इनकी लास्ट ड्यू डेट्स क्या है? इसको हमें कैलेंडर के थ्रू समझ लेते हैं। यदि आपकी टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपीज तक है तो आपको GSTR3B मंथली फाइल करनी है। इसके लिए ड्यू डेट दिसंबर 2017 के लिए GSTR3B को फाइल करने की डेट 20 जनवरी 2018 है। जनवरी की GSTR3B को फाइल करने की डेट 20 फरवरी 2018 है। फरवरी की GSTR3B को फाइल करने की लास्ट डेट 20 मार्च 2018 है। मार्च की GSTR3B को फाइल करने की लास्ट डेट 20 अप्रैल 2018 है। अप्रैल की GSTR3B को फाइल करने की लास्ट डेट 10 मई 2018 है। यदि आपने क्वार्टरली ऑप्शन ऑप्ट की है और आपकी टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपीज से कम है तो आपको GSTR1 इस प्रकार फाइल करनी है। जुलाई से सितंबर 2017 के लिए लास्ट डेट 10 जनवरी 2018 है। अक्टूबर से दिसंबर 2017 के लिए लास्ट डेट 15 फरवरी 2018 है। जनवरी से मार्च 2017 के लिए GSTR1 को फाइल करने की लास्ट डेट 30 अप्रैल 2018 है। यदि आपकी टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपीज से ज़्यादा है तो GSTR3 भी आपको मंथली फाइल करनी है। ड्यू डेट जो हमने डिस्कस की है वैसे ही मंथली है। और यदि आपकी टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपीज से ज़्यादा है तो आपको GSTR1 मंथली फाइल करनी है।
यानी कि जुलाई से नवंबर 2017 मंथ के लिए जो लास्ट डेट है वो 10th जनवरी 2018 है। दिसंबर के लिए GST-R1 को फाइल करने की लास्ट डेट 10th फरवरी 2018 है। जनवरी 2018 को फाइल करने की लास्ट डेट 10th मार्च 2018 है। फरवरी 2018 को फाइल करने की GST-R1 को फाइल करने की लास्ट डेट 10th अप्रैल 2018 है। और मार्च 2018 के लिए GST-R1 को फाइल करने की लास्ट डेट 10th मई 2018 है। यदि मैं GST की रेगुलर स्कीम को ऑप्ट करता हूं और GST-R1 रिटर्न को किस प्रकार फाइल करना है और इसके लिए टर्नओवर किस प्रकार कैलकुलेट होगी, इसे CBC ने क्लैरिफाई किया है कि रजिस्टर्ड व्यक्ति को टर्नओवर को सेल्फ असेस करना है फाइनेंशियल ईयर के प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के लिए, या फिर यदि कोई व्यक्ति न्यूली रजिस्टर्ड है GST के अंदर तो करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए उसको अपनी टर्नओवर को कैलकुलेट करना है। इस सेल्फ असेस टर्नओवर के बेस पे यदि उसकी टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपीज तक आती है तो वह क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर सकता है GST-R1 की। इवन इफ के किसी व्यक्ति की टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपीज से कम है तब भी वह मंथली ऑप्शन भी उसके पास है, वह मंथली रिटर्न भी फाइल कर सकता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति एक बार मंथली ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लेगा तो पूरे फाइनेंशियल ईयर में इसकी पीरियडिसिटी को चेंज नहीं कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी टर्नओवर को गलत रिपोर्ट करता है और क्वार्टरली बेसिस पर अपनी रिटर्न को फाइल करता है तो उसके अगेंस्ट प्यूनिटिव एक्शन GST एक्ट के अंदर लिए जा सकते हैं। यदि मैं क्वार्टरली GST-R1 को फाइल करने की ऑप्शन लेता हूं तो मुझे GST-R1 किस प्रकार फाइल करनी है। क्वार्टरली रिटर्न फाइल करने की ऑप्शन पहले नहीं दी गई थी, इसलिए कई टैक्स पेयर ने अपनी GST-R1 जुलाई 2017 के लिए ऑलरेडी फाइल कर दी है। उन टैक्स पेयर को जुलाई 2017 के लिए अपनी रिटर्न को दोबारा फाइल करने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें अपनी रिटर्न अगस्त और सितंबर 2017 के लिए फाइल करनी है। लेकिन जिन टैक्स पेयर ने जुलाई 2017 के लिए GST-R1 फाइल नहीं की है और क्वार्टली ऑप्शन एक्सरसाइज की है उन्हें अपनी रिटर्न जुलाई 2017 के लिए अलग से फाइल करनी है सेपरेटली। उसके बाद उन्हें अगस्त और सितंबर 2017 के लिए अपनी रिटर्न फाइल करनी है। GST-R2 और GST-R3 को फाइल करने की ड्यू डेट्स क्या है? GST-R2 और GST-R3 को फाइल करने के लिए टाइम लिमिट डिसाइड करने के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है और इसके बारे में आने वाले टाइम में सूचित किया जाएगा। GST-R3B को यदि मैं ड्यू डेट के बाद फाइल करता हूँ तो लेट फीस क्या है? यदि आप जुलाई अगस्त और सितंबर 2017 के लिए GST-R3B को लेट फाइल करते हैं तो कोई लेट फीस नहीं लगेगी क्योंकि इसे वेव कर दिया गया है। और सब्सिक्वेंट मंथ्स के लिए यानी अक्टूबर 2017 और उसके बाद लेट फीस इस प्रकार लगेगी। यदि आप टैक्स पेयर हैं और आपकी टैक्स लाइबिलिटी किसी मंथ में नहीं बनती है यानी कि नील है तो लेट फीस 20 रुपीज़ पर डे है, 10 रुपीज़ अंडर CGST एक्ट एंड 10 रुपीज़ अंडर SGST एक्ट। और यदि आपकी किसी मंथ में टैक्स लाइबिलिटी बनती है यानी कि टैक्स लाइबिलिटी नील नहीं है तो लेट फीस 50 रुपीज़ पर डे है, 25 रुपीज़ अंडर CGST एक्ट एंड 25 रुपीज़ अंडर SGST एक्ट। मैं GST-R3B में एडजस्टमेंट्स किस प्रकार दिखा सकता हूँ? पास्ट मंथ्स की एडजस्टमेंट के लिए GST-R3B के अंदर कोई कॉलम नहीं दिया गया है, इसलिए आप ये एडजस्टमेंट अपनी करंट मंथ की जो वैल्यूज़ है उनके अंदर ही दिखा सकते हैं और नेट बेसिस पर अपनी जो फिगर है उसको रिपोर्ट कर सकते हैं अप्रोप्रिएट टेबल में 3.1, 3.2, 4 एंड 5 में। यदि आप एडजस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको यह ध्यान रखना है कि आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में या फिर इनपुट टैक्स लाइबिलिटी में नेगेटिव फिगर नहीं आ सकती GST-R3B में। यदि आपकी एडजस्टमेंट पेंडिंग रह जाती हैं क्योंकि जो वैल्यू है वो नेगेटिव आ रही है तो आप अपने सब्सिक्वेंट मंथ्स में यानी कि नेक्स्ट मंथ्स में के GST-R3B में इस एडजस्टमेंट को कर सकते हैं। यदि वह भी पॉसिबल नहीं है तो आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं। यदि आप GST-R3B में मल्टीपल मंथ्स में एडजस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको यह ध्यान रखना है आपको GST-R1 में भी उन्हीं मंथ्स में एडजस्टमेंट करनी है। क्या मैं GST-R3B को एडिट कर सकता हूँ? यदि आपने GST-R3B को फाइल करते हुए कोई गलती कर दी है तो आप GST-R3B को एडिट कर सकते हैं, लेकिन यह फैसिलिटी आप टैक्स लाइबिलिटी को ऑफसेट करने से पहले ही कर सकते हैं। यदि आपने एक बार टैक्स लाइबिलिटी को ऑफसेट कर दिया तो आप उसके बाद GST-R3B को एडिट नहीं कर सकते हैं।
क्या GSTR 3B को GSTR 1, GSTR 2 और GSTR 3 के साथ रिकनसाइल किया जाएगा या फिर मैचिंग की जाएगी? जी हाँ, GSTR 3B को GSTR 1 के साथ रिकनसाइल किया जाएगा, और यदि कोई डिस्क्रिपेंसी आती है तो जो रेलेवेंट प्रोविजन है CGST Act की, उसके अंदर एक्शन लिया जाएगा। इसके अलावा GSTR 3B को GSTR 2 और GSTR 3 के साथ भी रिकनसाइल किया जाएगा, लेकिन इसके लिए जो प्रोसीजर है आने वाले टाइम में इंटीमेट किया जाएगा। यदि मैं GSTR 3B को फाइल करते हुए कोई एरर कर देता हूँ, कोई गलती कर देता हूँ, तो उसमें किस प्रकार रेक्टिफाई कर सकता हूँ? यदि आपने GSTR 3B को फाइल करते हुए कोई गलती कर दी है, तो उसे आप अपनी GSTR 1 या फिर GSTR 2 के अंदर सुधार सकते हैं। यानी कि सेम मंथ के लिए जब आप अपनी GSTR 1 और GSTR 2 फाइल करेंगे, तो उसके अंदर आप ये गलती को ठीक कर सकते हैं। जो GST पोर्टल है वो ऑटोमेटिकली आपके GSTR 3B को GSTR 1 और GSTR 2 से रिकनसाइल करेगा, और यदि कोई डिफरेंस आता है तो उस अमाउंट को आपकी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी के साथ ऑफसेट कर दिया जाएगा, या फिर आपकी नेक्स्ट मंथ की आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी के अंदर उस अमाउंट को ऐड कर दिया जाएगा। लेकिन अभी सिस्टम बेस्ड रिकन्सिलेशन और सर्कुलर नंबर 7/7/2017 को टाल दिया गया है, क्योंकि GSTR 2 और GSTR 3 का टाइम पीरियड को डिसाइड करने के लिए कमेटी का गठन किया गया है, और जब ये कमेटी अपनी रिकमेंडेशन देगी तो उसके बाद ही ये जो प्रोविज़न है वो चालू की जाएगी। GST पर नई बुक्स मार्केट में रिलीज़ कर दी गई हैं। इन बुक्स का लिंक इस GST वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। GST रिटर्न्स की ड्यू डेट्स क्या है, इसको नोटिफिकेशन वाइज, मंथ वाइज और फॉर्म वाइज taxseal.com की टीम ने कंपाइल किया है। आप देख सकते हैं कि यदि आप इस फॉर्म नंबर पर क्लिक करेंगे तो फॉर्म ओपन हो जाएगा। रेलेवेंट डिस्क्रिप्शन भी दी गई है, रेलेवेंट रूल भी दिया गया है। जैसे आप इस रूल पर क्लिक करेंगे तो रूल ओपन हो जाएगा, और जैसे ही आप इसकी ड्यू डेट पर क्लिक करेंगे तो ये जो ड्यू डेट है मंथ वाइज वे आपके सामने आ जाएगी। इसके अलावा GSTR 1, GSTR 2 से रिलेटेड भी जो कंपाइलेशन वे की गई है। इसके अलावा जो दूसरे GST रिटर्न्स के फॉर्म हैं, जैसे कि GSTR 4 और TRAN 1, उनकी भी कंपाइलेशन की गई है। इसके लिए आप इस YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को रेफ़र करें और इस पेज को बुक मार्क कर लें, क्योंकि जैसे ही इन डेट्स के में कोई भी अपडेशन होगा हम इस पेज पे अपने अपडेट करेंगे। ये दोस्तों देखते हैं कि आप ये ड्यू डेट वाले पेज को किस प्रकार ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको taxseal.com पर जाना है, अपने ब्राउज़र में taxseal.com टाइप करना है। उसके बाद ये आपके पास आ जाएगी GST अपडेट की टैब, इसमें सबसे ऊपर है GST रिटर्न्स ड्यू डेट, आप इन्हें क्लिक करें। जैसे ये पेज ओपन हो जाता है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फॉर्म नंबर, पर्टिकुलर, रेफरेंस और ड्यू डेट्स हैं। आप फॉर्म को भी रेफर कर सकते हैं, पर्टिकुलर भी दिए गए हैं, रेफरेंस मटेरियल और ड्यू डेट्स भी दी गई हैं। जैसे आप इस बटन पर क्लिक करेंगे, आप इसको यहाँ पे जाके अपने बुक मार्क के अंदर इसको ऐड कर सकते हैं, डन। तो आप फ्यूचर में जैसे ही आप इस फॉर्म को ओपन करेंगे तो डायरेक्टली ये जो पेज है आपका ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही आप जैसे GSTR 3B को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको मंथ वाइज जो है इनकी ड्यू डेट है वो मिल जाएगी। जैसे मार्च 2017 के लिए जो ड्यू डेट है वो क्या है, और इसका जो रेफरेंस मटेरियल है वो भी आप रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे जो रेलेवेंट नोटिफिकेशन है उनको भी दिया गया है। मान लीजिए जो अगस्त 2017 के लिए ड्यू डेट जो है 20 सितंबर 2017 थी, तो इसके लिए आप जो रेलेवेंट नोटिफिकेशन है इसको क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप नोटिफिकेशन को क्लिक करेंगे, नोटिफिकेशन आपके सामने ओपन हो जाएगा। इस नोटिफिकेशन में जो सेक्शंस हैं आप उनको भी रेफर कर सकते हैं। जैसे ही आप इन सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो ये सेक्शन जो है वह भी ओपन हो जाएंगे आपके सामने। तो ये जो टूल है एक रेडी रेकनर की तरह आपके लिए काम करेगा, इसलिए आप वेबसाइट को भी आप एज अ जो है बुक मार्क वो सेव कर सकते हैं। यहाँ पे जो है GST एक्ट, SGST एक्ट, GST काउंसिल मीटिंग नोटिफिकेशंस, CGST नोटिफिकेशन, CGST टैक्स रेट नोटिफिकेशन, IGST नोटिफिकेशन भी दिए गए हैं। इनका सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये है कि जब आप नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करते हैं तो नोटिफिकेशन के अंदर जो सेक्शन दिए गए हैं उनके भी लिंक इसके अंदर ही दिए गए हैं, तो आपको सेपरेट से कोई बुक इमिजिएटली रेफर करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप CGST, UTGST, IGST या फिर SGST एक्ट के किसी भी सेक्शन को किस प्रकार इजीली सर्च कर सकते हैं, इसके लिए आप taxseal.com की GST टैब
अब डेट ऐप पर क्लिक करें, वहाँ पे आप किसी भी जो सेक्शन है CGST का या UTGST का या GST का, उसको क्लिक ऑफ माउस के साथ जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि ये कैसे कर सकते हैं आप। सबसे पहले आपको taxhill.com को अपने ब्राउज़र में जो है वो टाइप करना है, taxhill.com। इसके बाद आपको यहाँ पे जो GST अपडेट की टैब है वहाँ पे जाना है। यहाँ पे GST Act और SGST Act दिए गए हैं, यानी कि रेलिवेंट स्टेट के जो एक्ट हैं वो भी दिए गए हैं स्टेट वाइज, और जो GST Act है वह भी दिया गया है। जैसे GST Act पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेंट्रल GST Act, स्टेट UT GST Act, IGST Act वगैरह दिए गए हैं। जैसे ही आप CGST Act पर क्लिक करेंगे तो आपको जो रेलिवेंट सेक्शंस हैं वो चैप्टर वाइज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे कि आप CGST Act का चैप्टर देख सकते हैं, यहाँ पे Chapter 1 प्रीलिमिनरी, यहाँ पे Section 1 Section 2 दिए गए हैं चैप्टर वाइज। जब मान लीजिए आप Section 9 को रेफ़र करना चाहते हैं, लेवी एंड कलेक्शन, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करती हैं Section 9 पर, तो जो Section 9 है वह ओपन हो जाएगा। Section 9 को आप रेफ़र कर सकते हैं। मान लीजिए Section 9 के अंदर जैसे कि Section 15 दिया गया है, तो जैसे ही आप Section 15 पर क्लिक करेंगे तो Section 15 भी ओपन हो जाएगा। इसके अलावा जो ये नोट यहाँ पे नोटिफिकेशन दी गई है, उनके नोटिफिकेशन को लिंक भी इस पेज के जो है नोट के अंदर दिए गए हैं। आप इन नोटिफिकेशन को भी क्लिक कर कर रेफर कर सकते हैं। जैसे ही मैंने Section 15 क्लिक किया तो Section 15 जो है वो ओपन हो जाता है, और इस सेक्शन के अंदर भी अगर फर्दर सेक्शन या एक्ट का लिंक दिया गया है तो वह भी आप क्लिक कर कर रेफर कर सकते हैं। इस प्रकार जो आप GST Act है वह इजिली यहाँ पर रेफर कर सकते हैं। यदि आपने इससे पुरानी जो GST न्यूज़ है या टिप्स हैं मिस कर दिए हैं तो आप उन्हें इस चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर रेफर कर सकते हैं। इन न्यूज़ टिप्स और वीडियो ट्यूटोरियल को ध्यान से सुने ताकि आप जो GST की इंटरेस्ट पेनल्टी और नॉन कॉम्प्लायंस है उनसे बच सकें। यदि आपने टैक्सिल की मोबाइल ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं की है तो उसका लिंक भी इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हम अपनी वेबसाइट पर जो इन्फॉर्मेशन है वो रियल टाइम में आपके लिए अवेलेबल कराते हैं। यदि आपने हमारा न्यूज़लेटर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसका लिंक भी इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यदि आपको ये चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप हमें फेसबुक G+ पर शेयर कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर भी हमारे अपडेट्स जो है वो शेयर कर सकते हैं। यदि आपकी GST से रिलेटेड कोई क्वेरी है या आप चाहते हैं कि हम किसी टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। taxhill.com पर रेगुलरली विजिट करें। थैंक यू।